नमस्कार, मैं हूं सुदर्शन चक्रधर। चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आखिरकार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का प्रचार थम गया और बस अब वोट पड़ने ही वाले हैं। लेकिन यहां यह जानना जरूरी है कि महाराष्ट्र के इस चुनाव में वो कौन से बड़े मुद्दे हावी रहे जिनका व्यापक असर हुआ और फिर इस सूबे के जागरूक मतदाताओं ने इन्हीं मुद्दे पर वोट देने का मूड बनाया है। क्या ये मुद्दे वाकई जनता का मूड परिवर्तित कर पाए हैं? आइए जानते हैं कि इनमें से सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में यूं तो सैकड़ों मुद्दे हवा में तैर रहे हैं, लेकिन अमूमन सभी मुद्दों पर जनता वोट नहीं देती। एक दो नैरेटिव ऐसे सेट होते हैं जिन पर जनता या तो पॉजिटिव वोट देती है या फिर नेगेटिव वोट देती है। वैसे हमेशा की तरह इस चुनाव में भी महंगाई, बेरोजगारी और विकास या पिछड़ापन जैसे अनेक मुद्दे छाए हुए हैं, लेकिन ये अब आम समस्या हो गई है। मतदाता के मन मस्तिष्क में ये मुद्दे होते तो हैं, लेकिन वोट देते समय शायद ही इस पर मंथन करके कोई मतदाता वोट देने जाता होगा। बहरहाल सत्तारूढ़ महायुति की ओर से लाडली बहना, लाडला भाऊ, 3 मुफ्त गैस सिलेंडर, महिलाओं को 50% में ST बस यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा जैसी योजनाएं और किसान कर्ज माफी जैसे लालीपाप से बरगलाया गया। वहीं विपक्षी महाविकास आघाड़ी की ओर से बड़ी बड़ी कंपनियों का गुजरात पलायन, किसान आत्महत्या, मराठा आरक्षण, फसलों पर MSP, महिलाओं को 3,000 रुपए और बेरोजगारों को 4,000 रुपए प्रति माह देने सहित किसानों को कर्ज माफी करने और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने जैसे झांसे भी दिए गए। लेकिन सवाल है कि क्या राज्य की जनता इनके बहकावे में आ गई? इसका पता भी 23 नवंबर को मतगणना के दिन चल ही जाएगा। इनके अलावा कुछ और भी नैरेटिव सत्ताधारी महायुति और विपक्षी आघाड़ी ने बनाने की कोशिश की। जैसे सत्ता पक्ष की ओर से बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, वोट जिहाद, धर्म युद्ध और न जाने क्या क्या। वही विपक्ष ने जाति जनगणना कराने, संविधान बचाने और आरक्षण सीमा 50% से अधिक करवाने की बात जोर शोर से उठाई। लेकिन चुनाव के अंतिम दिनों में विपक्षी ओर से एक और बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई और गौतम अदानी को सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया। प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी ने तो बाकायदा मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अडानी मोदी एक हैं तो अडानी की तिजोरी सेफ है जैसा आरोप भी खुलेआम लगा दिया। राहुल गांधी के साथ ही शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने भी अडानी को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन देखना होगा कि क्या ये दोनों उसमें सफल होंगे। शिवसेना UBT का आरोप है कि उद्योगपति गौतम अडानी मुंबई को पूरी तरह से निगलना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे सहित सारे सत्ताधीश अडानी के ही लोग हैं और अडानी मोदी की दौलत के संरक्षक हैं। इन दोनों का फार्मूला महाराष्ट्र को विनाश की ओर ले जा रहा है, ऐसा शिवसेना कहती है। शिवसेना के अनुसार अडानी को पराजित करना ही महाराष्ट्र के हित में है, वरना शहीद स्मारक की जमीन पर भी अडानी का टावर खड़ा हो जाएगा तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो क्या वाकई अडानी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा और ज्वलंत मुद्दा हो गया है? क्या हालिया सत्ताधीशों ने मुंबई की सभी मौके की जमीनें अडानी को दे दी है? शिवसेना का आरोप है कि मुंबई के मीठागढ़, जकातनाके जैसी जगहों पर भी अडानी ने अभी से खूंटा गाड़ दिया है। सवाल है कि क्या वाकई महाराष्ट्र सरकार अडानी पर खास मेहरबानी दिखा रही है? उद्धव राउत एंड कंपनी के अनुसार क्या वाकई अडानी के पास मोदी की संपत्ति है? विपक्ष का आरोप तो ये भी है कि मोदी जी विदेश में जहां भी जाते हैं वहां अडानी पहुंच जाते हैं और उसके बाद अडानी की कंपनी को उस देश में बड़ा ठेका मिल जाता है। बहरहाल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा शिंदे और अजीत पवार की महायुति ने जमकर पैसा बहाया है और बरसाया भी है। आखिर इतना सारा पैसा कहां से आया, यह कोई रहस्य भी नहीं रहा। अजीत पवार ने ही कुछ दिन पहले यह खुलासा कर सबको चौंका दिया था कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने के लिए जो बैठकें हुई वो गौतम अडानी के घर पर हुई और खुद गौतम अडानी उस बैठकों में मौजूद रहते थे, लेकिन बाद में वे इससे मुकर भी गए। अंत में सबसे बड़ा सवाल ही है कि क्या महाराष्ट्र की लड़ाई अब पूरी तरह से गौतम अडानी और उनके धन साम्राज्य के खिलाफ हो रही है?
क्या वे पूरी मुंबई को निगलना चाहते हैं और क्या महाराष्ट्र की जनता 20 नवंबर को इसी एक मुद्दे पर वोट देने घर से निकलने वाली है। अगर आपको भी विपक्ष के आरोप सच लगते हैं तो अपने वोटों की ताकत से या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। फैसला आपके हाथ है। धन्यवाद। नमस्कार।